फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी करेला फ्राई। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत कम समय में बनती है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्रिस्पी करेला फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम करेला लिया है। मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से दो बार वॉश कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसका छिलका निकाल देते हैं। तो हमें यहाँ पे ऊपर का थोड़ा ही छिलका निकाल देना है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका ऊपर का छिलका निकाल दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से निकाला है। तो हमें यहाँ पे इसी तरीके से सारे करेला का छिलका निकाल देना है। क्रिस्पी करेला फ्राई बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका करेला बिल्कुल कड़वा नहीं बनेगा और बहुत टेस्टी भी बनेगा। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे ये सारे छिलका निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये सारे करेला का छिलका निकाल दिया है। अब सबसे पहले इसे बारीक स्लाइसेस में कट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एंड्स कट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें इसे एकदम बारीक स्लाइसेस में कट कर देना है। हम इसे जितना पतला कट करते हैं ना, उतना ही क्रिस्पी और टेस्टी सब्जी बन जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से पतला कट कर दिया है। तो हमें यहाँ पे इसी तरीके से सारे करेला कट कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक करेले को कट कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि इसके जो बीज है वो निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पे एक करेले का स्लाइस लेते हैं। अब इसके अंदर का ये सीड्स निकाल देते हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा सीड्स नहीं है तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये सारे इसके अंदर के बीज निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे इसके सारे बीज निकाल दिया है। तो हम इसी तरीके से बाकी के बचे हुए करेलों को कट करते हैं और इसके बीज निकाल देते हैं। तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर करते हैं और यहाँ पे इसी तरीके से बाकी के करेलों को स्लाइसेस में कट कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये सारे करेलों को अच्छे से कट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि मैंने इसे कितना पतला स्लाइसेस में कट कर दिया है। तो हमें यहाँ पे इतना ही पतला स्लाइसेस में कट कर देना है। हम जितना पतला करते हैं ना, उतना ही क्रिस्पी सब्जी बन जाता है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसके ऊपर नमक और हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और उसी के साथ डाल देते हैं नमक। तो हमें यहाँ पे डेढ़ चम्मच नमक डाल देना है। अब हम इसे अच्छे से हाथों से मिला देते हैं। नमक डालने से इसमें मॉइस्चर आ जाता है और इस जो करेला का कड़वापन है वो निकल जाता है। तो हमें यहाँ पे नमक का ज़्यादा यूज कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहे तो नमक और हल्दी पाउडर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हम इसे कवर कर देते हैं और इसे कम से कम एक घंटे के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक घंटा हो जाने के बाद मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो करेला का कड़वा पानी है वो निकल चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका कड़वापन और भी निकल जाए। तो हमें यहाँ पे इसी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं पानी। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं 4 से 5 बार ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से 4 से 5 बार वॉश कर लिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। क्रिस्पी करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज लिया है। इसे बारीक कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है तेल, 3 चम्मच तेल लिया है, आधी छोटी चम्मच राई, 1 चम्मच नमक लिया है, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ में ही लिया है आधी छोटी चम्मच जीरा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं करेला। तो हमें यहाँ पे इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे 2 बैच में रोस्ट किया है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम इसे 2nd बैच में रोस्ट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे रोस्ट कर लेते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर तब तक रोस्ट करें जब तक जो करेला है थोड़ा सा ब्राउन दिखे और ये क्रिस्पी बन जाए। तब तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। करेले की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। जिन लोगों को करेला पसंद नहीं है, आप इस तरीके से करेला बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जो करेला है वो थोड़ा सा क्रिस्पी बन चुका है।
अगर आपको ज्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे और थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। अब चलते हैं सब्जी बनाने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे सेम पैन लिया है, इसी पैन को हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। आप चाहे तो दूसरा पैन भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस पैन को अच्छे से गरम कर लेते हैं। पैन गरम हो जाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं 3 चम्मच तेल। तेल को भी अच्छे से गरम होने देते हैं। जैसे ही तेल गरम हो जाता है तब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच राई और उसी के साथ डाल देते हैं 1/2 छोटी चम्मच जीरा। हम इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं करी पत्ता। अब इसी के बाद हम इसमें डाल देते हैं प्याज। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो प्याज है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। क्रिस्पी करेले की सब्जी में प्याज अगर ज़्यादा रहे तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया आ जाता है। तो यहाँ पे हमें प्याज का ज़्यादा यूज़ कर लेना है। अगर यहाँ पे आपको प्याज पसंद नहीं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा प्याज डाल सकते हैं। 3 मिनट हो जाने के बाद ये देखिए, यहाँ पे जो प्याज है वो सॉफ्ट हो चुका है और गोल्डन भी हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इतना ही प्याज को फ्राई कर लेना है। करेले की सब्जी में प्याज अगर थोड़ा सा कच्चा रहे तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया आ जाता है। तो हमें यहाँ पे इतना ही फ्राई कर लेना है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं मसाले। तो हम इसमें डाल देते हैं 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर। याद रहे कि हमने हल्दी पाउडर पहले भी डाला है, तो यहाँ पे हमें हल्दी पाउडर थोड़ा ही डाल देना है। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमें यहाँ पे इसे कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेना है ताकि मसाले और प्याज अच्छे से भून जाए। हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पे प्याज और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं रोस्ट किया हुआ करेला। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मसाला और करेला मिक्स हो जाने के बाद कितना बढ़िया दिख रहा है, दिख रहा है ना, एकदम मस्त। इस तरीके से आप करेले की सब्जी बनाओगे तो बिल्कुल कड़वा नहीं बनेगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में ही मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने नमक को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। नमक डालने से इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है। तो हमें यहाँ पे गैस को हाई कर देना है और इसे लगातार चलाते रहना है ताकि जो करेला है और भी क्रिस्पी बन जाए। तो अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच पीनट पाउडर। पीनट पाउडर डालने से इसका टेक्स्चर और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें यहाँ पे फ्लेम को हाई रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि पीनट पाउडर डालने से ये दिखने में और भी बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर कर देते हैं और इसे 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये 2 मिनट हो चुके हैं। हम यहाँ पे ढक्कन निकाल देते हैं। तो अब हम इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे लगातार चलाते रहना है ताकि जो करेला है और भी क्रिस्पी बन जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे जो करेला है वो दिखने में कितना क्रिस्पी है और दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से इसमें खुशबू और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप धनिया पत्ता डाल दिया है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्रिस्पी करेले की सब्जी बन के तैयार है। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ये कुरकुरे क्रिस्पी करेला फ्राई बन के तैयार है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो करेला है दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है और ये कितना क्रिस्पी दिख रहा है। तो ये सब्जी बनाने में बहुत कम मेहनत लगती है और बहुत कम समय भी लगता है। तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। तो आप चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम डाल देते हैं क्रिस्पी करेला फ्राई। तो ये देखिए, यहाँ पे जो करेले की सब्जी है वो कितनी क्रिस्पी दिख रही है और दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है। जितना बढ़िया दिख रहा है उतना ही टेस्ट इसका बढ़िया होता है, ये बिल्कुल कड़वा नहीं बनता है।
तो ये देखिए यहाँ पे जो क्रिस्पी करेला फ्राई बन के तैयार है और दिखने में भी बहुत टेस्टी दिख रहा है और ये बहुत ही क्रिस्पी है। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, आप इसे चपाती रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये क्रिस्पी करेला फ्राई की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।